एमआईएम से अगर जाप का गठबंधन होते तो क्या ये संभव है, कभी होंगे? देखिए, जाप किसी भी सांप्रदायिक ताकत से कोई समझौता नहीं करेगी। आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं प्रिंस खान सुरजापुरी, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब प्रोफेसर मुशब्बिर आलम जी, जाप प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, आपसे चुनाव, विधानसभा चुनाव के कुछ सवाल आते हैं और एनआरसी को लेकर, जो आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे एनआरसी की, क्या जाप पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, आज जो देश और राज्य की राजनीतिक परिस्थिति है, आज कोई भी दल ऐसा नहीं है जो अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ सकती है। जन अधिकार पार्टी भी ये चाहती है कि जिस तरह से आज उन्माद की राजनीति पूरे देश में हो रही है, जो देश हित में नहीं, देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में जन अधिकार पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी, पूर्व सांसद मधेपुरा, चाहते हैं कि समान विचारधारा के लोगों से, इन उन्माद पूर्ण राजनीति से, जहां रोजगार की समस्या के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जहां महिला उत्पीड़न को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां आए दिन अपहरण की घटनाएं हो रही है, आज सबसे बड़ी बुरा दौर आजादी के बाद भारत में हुआ आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है। रोजगार से लोग मिल नहीं रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही है, कंपनियों से निकाला जा रहा है। जरा सा भी किसी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार को इसकी चिंता नहीं है, वो केवल उन्माद की राजनीति फैला करके सत्ता हथियाना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में जन अधिकार चाहती है कि कांग्रेस, इस देश की जो बड़ी पार्टी रही है और इस देश को चलाया है, वो एक महागठबंधन का नेतृत्व करे और नेतृत्व करके ऐसे उन्माद पूर्ण राजनीति के वातावरण से इस देश को उबारे। ऐसी पार्टी के जो एक प्रखंड अध्यक्ष शाहनवाज उल्लू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर भी चुके हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मगर ये खंडन नहीं कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मगर उसका जो बिल्कुल सही, हर राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीति करता है तो उनका मकसद होता है कि हम चुनाव के मैदान में जाएं और चुनाव के माध्यम से जनता की सेवा की जाए। निश्चित रूप से हमारे प्रखंड अध्यक्ष शाहनवाज साहब राजनीति करते हैं तो उनका भी मनसा है, इच्छा है कि हम राजनीति करें, चुनाव लड़ें, अभी वो जन अधिकार पार्टी है, जन अधिकार। लेकिन जब कोई सामूहिक निर्णय होता है पार्टी का, तो ऐसी परिस्थिति में जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं उनको पार्टी के निर्णय से सहमत होना पड़ता है। जो हमारे पार्टी का निर्णय होगा उससे हमारे प्रखंड अध्यक्ष सहमत होंगे। क्या अगर शाहनवाज कल्लू जी अगर चुनाव लड़ते तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? निश्चित रूप से अगर हम चुनाव लड़ाएंगे तो ऐसे नौजवानों को लड़ाएंगे, किसको, जो हमारे पार्टी के मने लड़ाकू और होनहार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो ऐसे ही लोगों को लड़ाएंगे। लेकिन मैंने पहले बोला कि ये तो चुनाव समय में बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है, उन परिस्थितियों के आधार पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, का निर्णय ही सोपड़ी होगा, जो निर्णय होगा उसी आधार पर किया जाएगा। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखा गया कि आपके पार्टी द्वारा ठाकुरगंज से कटिहार तक पद यात्रा निकाली जाएगी एनआरसी को लेकर, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि आज सरकार के पास विकास का, बेरोजगारी समाप्त करने का या करप्शन को रोकने का ये कोई मुद्दा नहीं रहा। सरकार सिर्फ चुनाव में उन्माद फैलाकर जाना चाहती है, धार्मिक क्षेत्रवाद के उन्माद को फैलाकर वो सत्ता हथियाना चाहती है। अभी केंद्र में जो सरकार बैठी है, असम में एनआरसी लागू किया और वहाँ भी अफरा तफरी का माहौल बन गया, अब वो बिहार में लागू करना चाहती है, बंगाल में लागू करना चाहती है, विशेषकर सीमांचल में। सीमांचल जो इतिहास साक्षी है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आज़ादी के पूर्व से ही राष्ट्रभक्ति का अगर कहीं कोई उदाहरण दिया जाता है पूरे भारत में, हिंदू मुस्लिम एकता का जो उदाहरण दिया जाता है, तो निश्चित रूप से सीमांचल का इलाका है। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है, उसके कुछ मंत्री
आए दिन बयानबाजी करते हैं सीमांचल में घुसपैठिया है, ये बरसों से चल रहा है। आपकी सरकार भी रही थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही थी, क्यों नहीं आपने निकाला था? या फिर आपने 5 साल सरकार चलाया, ऐसे घुसपैठिया है तो उन्हें क्यों नहीं निकाला? आज भी है बांग्लादेशी घुसपैठी या कोई भी घुसपैठी है, उसको निश्चित रूप से निकलना चाहिए। केवल बयानबाजी से इस तरह का उन्माद फैलाने कर राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं NSR NRC पूरे भारत में लागू हो और व्यवस्थित ढंग से लागू हो, केवल सीमांचल में नहीं बल्कि पूरे भारत में। चाहे उसमें कोई भी समुदाय का कोई आदमी आए, उसको बाहर जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ बयानबाजी से उन्माद फैलाने तक ये सीमित नहीं होना चाहिए। मैं चेतावनी देता हूं केंद्र सरकार को कि सीमांचल में नगण्य आदमी मिलेगा, और जो भी मिलेगा तो उसको उस वक्त दिक्कत हो जाएगी। खुद जिसके बदौलत वो सत्ता हथियाना चाहते हैं, जिस उन्माद के बदौलत वो सत्ता में जाना चाहते हैं, ऐसे ही लोग उसमें ज्यादा रहेंगे। आज असम में क्या हुआ? आजादी की जंग की लड़ाई में उसको उस खानदान के लोग NRC में आ गए, जो आजादी का जंग लड़ा था वो लोग आ गए NRC में। कहां है आपका सिस्टम? इसका मतलब आप करना कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ उन्माद फैला करके राजनीति कुर्सी हथियाना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं। सीमांचल अगर में इस तरह की बात हुई तो जन अधिकार पार्टी अपने हर पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेगी और इसके लिए लड़ेगी। ये जो NRC मुद्दा लेकर आप लोग जो पद यात्रा करने जा रहे हैं, अभी हमारे किस रूट से जाए? हमारे माननीय सांसद का एक निर्णय हुआ है कि चाहे पद यात्रा हो या फिर और तरीके। सर अभी जो नए ट्रैफिक नियम लागू है, क्या आपकी पार्टी उनका समर्थन करते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए ये हल्ला मचा हुआ है, हर वो नियम कानून जो राष्ट्र हित में जनता के हित में हो उसका समर्थन करते हैं। ट्रैफिक नियम का हम लोग विरुद्ध नहीं, लेकिन जिस ढंग से अचानक बिना सोचे समझे इसको लागू किया गया, इससे जनता को कानून क्यों बनाया था? जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए? जो कानून जनता के हित में नहीं हो वो कानून कानून ही नहीं माना जाना चाहिए। जिस परिस्थिति में जिस वातावरण में अचानक लागू किया गया, जनता में जो अफरा तफरी का माहौल हुआ उसका हम लोग विरोध करते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 7 तारीख को बिहार के हर जिले में धरना और प्रदर्शन करने का काम किया। अभी जो 7 तारीख बीता है हम लोगों ने किया, हम लोग चाहते हैं उसके लिए जनता को जागरूक किया जाए, एक समय सीमा निश्चित किया जाए, जनता को आगाह किया जाए कि इस समय सीमा के अंदर अपना आप सब सारा कागजात दुरुस्त करें और नियम का पालन करें, उनके बाद उस नियम को। और सबसे बड़ी बात है कि इतना फाइन करते हैं जिसने उसका तो ताकि हित, विशेषकर सीमा और कोसी अंचल का विकास जिसके साथ बरसों से अन्याय हुआ, इन मुद्दों को लेकर और बिहार के सभी वर्गों, चाहे वो किसी जात धर्म से, चाहे वो बैकवर्ड हो फॉरवर्ड, सबको लेकर चलने की हम बात करते हैं। सबके बारे में जो समान मेरा विचार से समान विचार रखेगा, ऐसी पार्टी से हम गठबंधन कर सकते हैं, अन्यथा जात धर्म विशेष समुदाय वर्ग की जो बात करेगा ऐसे दल से हमारा गठबंधन होने का प्रश्न नहीं। मैंने सीधी सी बात की, MIM से गठबंधन होने का कोई प्रश्न नहीं। अगर वो अपनी नीति को बदलेंगे, वसूल को सिद्धांत को बदलेंगे, सोचेंगे क्या अगर MIM पूरे बिहार में लड़े तो क्या अल्पसंख्यक वोटों पर बिखर नहीं जाएगा? देखिए जहां तक मेरा सोच है, मैं पूरे बिहार के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सीमांचल का जहां तक मुझे अनुभव इस छोटी सी जिंदगी में, इस 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में जो है, या अपने पूर्वजों से मैं जो जान सका हूँ, राष्ट्रवाद से ये इलाका परिपूर्ण है। आज तक जाति और धर्म के नाम पर देश में आजादी से लेकर कोई ऐसी परिस्थिति इस सीमांचल में नहीं आया जो लोगों को किसी समुदाय के बीच में कोई कुटता आई हो। लास्ट में आप इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग जाति धर्म या वर्ग विशेष के नाम पर किसी भी दल को सपोर्ट नहीं करेंगे। लास्ट में आप सोशल मीडिया के जरिए आम जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आम जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि ये जो सीमांचल का सुरजापुरी इलाका है, चाहे किसी भी दल की सरकार रहे हो, हम लोगों की कमजोरी की वजह से, हम लोगों के फूट की वजह से, चाहे वो सुरजापुरी हिंदू हो या मुसलमान हो, हम लोगों की आपसी फूट की वजह से उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। और राजनीतिक में धर्म का आर लेके, जात का आर लेके, वर्ग का
आड़ में उन्होंने राजनीति की है। मैं तमाम सुरजापुरी, विशेषकर वैसे तो सीमांचल में बसने वाले हर सभी वर्ग के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, आपका कर्तव्य होता है उस क्षेत्र के विकास के लिए आप संघर्ष करें। सीमांचल के साथ बेईमानी हुई है, नाइंसाफी हुई है, सभी दलों ने कमोबेश इसके साथ नाइंसाफी की है। तो मेरा विशेषकर नौजवानों से और सभी समुदाय के लोगों से आग्रह होगा कि हम लोग मिलजुल कर ऐसे दल, ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता को राजनीतिक सत्ता सौंपने का काम करें जो सबको लेकर सीमांचल के विकास की लड़ाई लड़ सके। यही मेरा संदेश है। तो क्या कभी आपका कांग्रेस से गठबंधन की बात सुनने की चल रही है, कितना सच्चाई? कितना सच्चाई? निश्चित रूप से कांग्रेस एक ऐसा दल रहा है जो आजादी से लेकर अब तक इस देश में किसी न किसी रूप में कुछ गलतियों के कारण कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, शायद हुआ भी है, मंथन करना चाहिए। जिस तरह के उन्माद की राजनीति अभी एनडीए कर रही है, उससे तो हमें ऐसा लगता है कि एकमात्र कांग्रेस ही विकल्प रहा जो इस देश को नेतृत्व देना चाहिए। उनको सबसे बड़ी पार्टी है और पुनः अपने नीति और सिद्धांतों को लेकर जो कांग्रेस गांव समाज की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी रहे, दलितों की पार्टी रही है, अल्पसंख्यक को साथ में लेने लेकर चलने वाली पार्टी रही है, अपने पुराने सिद्धांतों पर अगर अमल करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी और इस देश का भला होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि कांग्रेस चाहेगी नेतृत्व करना और हमारा सहयोग लेना चाहेगी तो हम लोग एक मामूली दल की हैसियत से उनके सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में जाप का मैनिफेस्टो क्या होगा? मैनिफेस्टो स्पष्ट है कि अब तक जो राजनीति होती रही है, बेरोजगारी की समस्या पर कोई चर्चा नहीं हुई, शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं हुआ, महिला उत्पीड़न पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, आज आर्थिक मंदी हो रही है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, केवल जात और धर्म की राजनीति हो रही है। राजनीति में धर्म को आना ही नहीं चाहिए, धर्म आस्था का चीज है। आज तो भगवान को भी जाति बताने लग रहे, कहते हनुमान जी फला थे, बैकवर्ड थे, दलित थे, तो क्या कहे शिव जी का भी जात बताने लगे। तो ये तो राजनीति का स्तर जो जितना नीचे गिर रहा है, हम ऐसे राजनीति से अपने को अलग करते हैं। जनता के हित के लिए, जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, सद्भाव और सौहार्द कायम रखने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारी नीति है। विशेषकर युवा नौजवान आज जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोजगार मुखी कैसे बन सके, उसको रोजगार कैसे दिला सके, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज शिक्षा में क्या गिरावट आई है, आज देखिए आपको अब और हर दिन नित्य दिन अलग अलग टाइप का प्रयोग किया जा रहा है शिक्षा में, ऑनलाइन होगा, फला होगा। आज हमारी बच्ची जो मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज या भादरवीं कॉलेज में पढ़ती, आज उसका धमधम हो गया एडमिशन, पूर्णिया में एडमिशन हो गया। अब वो गरीब बच्चे, उसका बाप मजदूर है, वो अपनी 25,000-30,000 की गाड़ी है, अब उस गाड़ी पर आप करते हैं 50,000 फाइन, 40,000 फाइन, 10,000 फाइन, कहां से लाके देगा? ये तो दुर्भाग्य है। मैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से आग्रह करता हूं कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बड़े लोग लाइसेंस बना लेते हैं, हेलमेट खरीद लेते हैं, आज बिहार के गरीब युवा ही इसमें पकड़े जाएंगे। तो युवाओं को जागरूक किया जाए, गरीबों को बताया जाए, उसके लिए कैंप लगाया जाए, लाइसेंस बनाने के लिए नियम कानून समझाया जाए, एक से सर्टेन समय सीमा निर्धारित की जाए और उसके बाद ही इसको सख्ती से लागू किया जाए। लास्ट सवाल आपसे, क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? युवाओं को आपसे बहुत उम्मीद है। निश्चित रूप से मैंने छात्र जीवन से भी मैं राजनीति में हूँ और लगातार संघर्षरत रहा हूँ और पिछले दो विधानसभाओं में बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा। इस बार भी निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और इसमें मैं चुनाव नहीं भी लड़ना चाहूँ, यहाँ की जनता चाहती है कि वो आप इस बार चुनाव लड़ें, हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं, इसमें आप उनका सहयोग चाहिए। मेरा मनसा यह है कि सीमांचल जो क्षेत्र अब तक विकसित नहीं हुआ, पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे एशिया में ये सबसे पिछड़ा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और इकोनॉमिक दृष्टि से भी, शैक्षणिक तो है ही, ये पिछड़ा क्षेत्र है। इस पिछड़े क्षेत्र के लिए आज तक
राजनीति जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे नेताओं में वो नहीं हुआ। केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर यहाँ राजनीति होती रही और लोग चुनाव जीत के गए और अपना सत्ता का सुख भोगा। जब तक इस इलाके में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पर ब्रेक नहीं लगेगा और इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, निश्चित रूप से सीमांचल का विकास बाधित रहेगा। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इस बाधा को ज्यादा से ज्यादा दूर करूं, दूर कर सकूं और यहाँ के सारे समुदायों को मिलकर लेकर के हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, अगर जनता हमको मौका देती है तो यहाँ से लेके, बिहार से लेके हम दिल्ली तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें आप सबों का सहयोग हमको चाहिए। लास्ट सवाल आपसे कि कल जिस प्रकार MIM ने अलायंस प्रेस वार्ता के दौरान अलायंस की कि हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या MIM से अगर जाप का गठबंधन होते तो क्या ये संभव है, कभी होंगे? देखिए, जाप किसी भी सांप्रदायिक ताकत से कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी सांप्रदायिक पार्टी हो, किसी भी राजनीतिक विशेष दल का नाम नहीं लेना चाहता। जाप सामाजिक न्याय, चाहे मोटर व्हीकल नियम हो, चाहे वो एडमिशन का नियम हो, इस तरह का नियम बना करके ऐसा लगता है कि वो सीमांचल को पीछे धकेल रही है। नियम कानून, वहां की परिस्थिति, वहां का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, वहां के लोगों की मानसिकता को देखते हुए लागू होना चाहिए। शुक्रिया आपका सीमांचल एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे इस वक्त जाप प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब प्रोफेसर मुशर्रफ आलम जी।